नमस्कार केएनएन न्यूज रूम में मैं भावना एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आखिरकार निर्भया केस के दोषियों को फांसी दे दी गई। आज सुबह 5:30 बजे चारों दोषियों को फांसी दे दी गई, जिसके बाद निर्भया की मां के चेहरे पर 7 साल बाद इंसाफ की मुस्कान दिखाई दी। उनकी मां आशा देवी ने कहा कि आखिरकार उन्हें न्याय मिला। दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए भयानक रेप केस में दोषियों को फांसी होने के साथ ही इस मामले में आखिरी चरण पूरा हो गया। क्रूरतापूर्वक किए गए इस रेप और मर्डर केस ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। हजारों लोगों को इसके विरोध में सड़कों पर उतरना पड़ा और हफ्तों तक यह केस दुनिया भर में सुर्खियों में बना रहा। निर्भया केस को लेकर भले ही खूब शोर शराबा हुआ हो और सरकार ने जल्द से जल्द न्याय दिलाने का वादा किया हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि यह मामला अलग अलग अदालतों में 7 साल से ज्यादा वक्त तक खींचता रहा। यही केस था जिसकी वजह से सरकार को महिलाओं से जुड़े अपराधों के खिलाफ और ज्यादा कड़े कानून लाने को मजबूर होना पड़ा। इनमें असाधारण मामलों में मौत के प्रावधान भी शामिल किए गए। लेकिन क्या इससे भारत में महिलाएं सुरक्षित होगी? इसका जवाब फिलहाल शायद नहीं है। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि दिसंबर 2012 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई में भले ही इजाफा हुआ हो, लेकिन इस तरह की हिंसक घटनाएं अभी भी भारत में सुर्खियां बना रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का हालिया जारी आंकड़ा बताता है कि 2018 में पुलिस ने 33,977 रेप केस दर्ज किए। इसका मतलब है 93 रेप केस हर रोज। यह आंकड़े सिक्के का केवल एक ही पहलू दिखाते हैं। महिलाओं से जुड़े अपराधों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों का कहना है कि रेप और यौन हिंसा के हजारों मामले पुलिस के पास पहुंचते तक नहीं। रोजाना अखबार रेप और यौन हिंसा की वारदातों की खबरों से भरे होते हैं और ऐसा लगता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। इन अपराधों का शिकार एक 8 माह की बच्ची से लेकर के 70 साल की बूढ़ी महिला भी हो सकती है। इनका शिकार अमीर भी हो सकता है और गरीब भी। चाहे गांव का हो, शहर का हो, गली का हो या अपने खुद के घर का क्यों ना हो, इस तरह के अपराध हर जगह हो रहे हैं। रेपिस्ट किसी एक मजहब जाति से नहीं आते, वे हर तरह के सामाजिक और वित्तीय पृष्ठभूमि वाले हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सख्त और जल्द दी जाने वाली सजा से आम लोगों के दिमाग में डर बैठेगा और रेप की घटनाएं रुकेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समस्या का स्थायी इलाज उस पितृसत्तात्मक सोच को खत्म करना है जिसमें महिलाओं को पुरुष की संपत्ति माना जाता है। इनका कहना है कि परिवार और बड़े लेवल पर समाज को भारत को महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह बनाने के लिए अपनी भूमिका को समझना होगा। पेरेंट्स, शिक्षकों और बड़ों को किसी भी उल्लंघन से निपटना होगा, भले ही वह छोटा सा क्यों ना हो। आज की कड़ी में इतना ही। केएनएन न्यूज साथ ही आपसे अपील करता है कि कोरोना वायरस से सावधानी हेतु अपने हाथों को बार बार धोएं, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचे और साथ ही हल्की सर्दी जुकाम हो तो मास्क का उपयोग करें और अपने साथ अपने समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बने रहिए केएनएन न्यूज रूम इंदौर, साथ ही हमारे केएनएन न्यूज के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और देखते रहिए देश दुनिया की लाइव खबरें।